आज आपको इस वीडियो में काफी तगड़ी प्राइसिंग मिलने वाली है और पीसी बिल पर काफी अच्छी डिस्काउंट मिलने वाले हैं। जिस स्टोर पे आया उसका नाम है गेमिंग पीसी मुंबई, जो कि हमारे लव भाई ने ओपन की है। तो अभी हम स्टोर के अंदर चलते हैं, सभी प्राइसिंग के बारे में जानते हैं और स्पेशल ऑफर क्या चालू है गेमिंग पीसी मुंबई के अंदर उसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, आ चुके हैं स्टोर के अंदर। हमने अपनी सारी ग्राफिक कार्ड लगा लिया है और मेरे साथ में अभी हर्ष भाई कैसे हो आप? बस दीपक भाई सही, आप बताओ आप कैसे? बहुत बढ़िया। तो एक बार अपनी स्टोर के बारे में बताइए और किन किन चीजों में आप डील करते हैं उसके बारे में बताइए। दीपक भाई, हमारा स्टोर द गेमिंग पीसी मुंबई लोकेट करता है ग्रैंड रोड ईस्ट लिमिटेड रोड में। अगर बात करूं किस तरीके से कस्टमर आसानी से आ सकता है स्टोर में, तो ग्रैंड रोड ईस्ट उधर के हार्डली 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है स्टेशन से। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो आप गूगल मैप से द गेमिंग पीसी मुंबई डाल सकते हो, आपको लोकेशन आसानी से मिल जाएगी। तो जो भी एड्रेस है मैं नीचे डाली दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट करके आ सकते हो आसानी से। तो इस वीडियो में हम ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो प्राइसिंग कैसी मिलने वाली है? प्राइसिंग बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको, कंपेयर टू मार्केट और कंपेयर टू ऑनलाइन। आप प्राइसेस चेक कर लेना, बहुत ही बेटर प्राइसेस मिलने वाली है। पक्की गारंटी है ना? पक्की गारंटी है। ओके, तो अभी एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड से स्टार्ट करते हैं। एंट्री लेवल एनवीडिया से स्टार्ट करूं मैं तो 1650 आपको आ जाएगा, 11500, 4GB GDDR6 सॉल्यूशन का ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट जो ग्राफिक कार्ड की मैं बात करूंगा RTX 3050 मिल जाएगा, 6GB वेरियंट आएगा आपको 14500 का, वो भी GDDR6 सॉल्यूशन रहेगा। फिर नेक्स्ट में अगर अगले ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो 3050 में 8GB वेरियंट आपको मिल जाएगा, 17500 GDDR6 सॉल्यूशन वो भी रहेगा। जो RTX 3000 सीरीज है उसमें फिर लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो RTX 3060 है, 12GB वेरियंट आता है GDDR6 सॉल्यूशन। अगर उसके में प्राइसिंग की आपकी बात करूं तो वो आपको आ जाएगा 23500। और जो भी मैं प्राइसेस बोल रहा हूं दीपक भाई आपकी वीडियो में सब और इंक्लूसिव टैक्सेस है, उसमें कोई भी आपको आप दुकान पे आओगे तो ऐसा नहीं कि आपको प्लस 18% लगने वाला है। जो भी मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूं सब इंक्लूसिव ऑफ GST है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स है जी। जो भी प्राइसिंग है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो आप यहां पे आके परचेस कर सकते हो। तो भाई काफी सीरियसली मतलब काफी अच्छी प्राइसिंग है, आप 3050 की देख लो, 3060 की देख लो, 1650 की देख लो, मतलब इस रेंज में तो अभी तक कोई किसी ने नहीं दिया जिसने वीडियो मैंने बनाई है। तो अभी नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपना 4000 सीरीज आएगा दीपक भाई, क्योंकि 3000 सीरीज में पास लास्ट ऑप्शन जो था वो 3060 का। अगर आपको 3060 Ti ये सब चाहिए तो मेरे पास न्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन RF refurbished में अवेलेबल है मेरे पास यूज ग्राफिक कार्ड, जिसकी आपको ब्रांड वारंटी 1 ईयर मिल जाएगी। अगर उसके में प्राइसेस की बात करो तो 3060 Ti आपको आ जाएगा 24500, 3070 Ti आ जाएगा 26500 एंड 3080 आ जाएगा 31000। ये कैश के प्राइस रहेंगे, इसमें आपको GST बिल नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब रिफर्ब कार्ड्स है, और बाकी के जो भी न्यू फ्रेश कार्ड्स है उसमें आपको विद GST बिल प्रॉपर कंपनी से वारंटी मिलेगी। ओके, विद 3 ईयर वारंटी, विद 3 ईयर वारंटी। जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड होने वाला है वो RTX 4060 8GB GDDR6 एडिशन का ग्राफिक कार्ड होने वाला है। उसके अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको बैठ जाएगा 26250 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर नेक्स्ट जो अपना ग्राफिक कार्ड होने वाला है RTX 4060 Ti में 8GB वेरिएंट, वो आपको आ जाएगा 34500 ऑल इंक्लूसिव GST, वो भी GDDR6 एडिशन का ग्राफिक कार्ड होने वाला है। फिर जो अपना नेक्स्ट रहेगा 4060 Ti में 16GB वेरिएंट, वो आपको आएगा 40000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, 40000 काफी ज्यादा तगड़ी प्राइसिंग है। और यहाँ पे हम बात करें हर्ष भाई, मतलब 4000 सीरीज में किसी को यूज ग्राफिक कार्ड चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा क्या? 4000 सीरीज में मोस्ट ऑफ 4060 Ti मिलेगा आपको, 4070 अगर आप देखने जाओगे, मतलब 4060 Ti के जो भी ऊपर की सीरीज है उसमें आपको यूज ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। Okay. क्योंकि न्यूली लॉन्च है वो अभी, इसलिए ठीक है, वैसे मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात, नेक्स्ट अपना आने वाला है 4070 जो कि आएगा 47000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का, 47000 सीरियसली, 47000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस भाई, मतलब सीरियसली बहुत तगड़ी प्राइसिंग है, मतलब 4070 47000 में, मतलब 50000 से नीचे तो मैंने अभी तक कवर नहीं किया। और नेक्स्ट अपना ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 4070 Ti मिल जाएगा, वो आपको आ जाएगा 68000 ऑल इंक्लूसिव GST। फिर जो अपना रहेगा 4070 सुपर रहेगा वो आपको आ जाएगा 52000 ऑल इंक्लूसिव GST। और फिर जो अपना नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड होने वाला है 4070 Ti सुपर, वो आपको आ जाएगा 74000 ऑल इंक्लूसिव GST। भाई मतलब प्राइसिंग सीरियसली काफी ज्यादा, मतलब एकदम जबरदस्त है। और ये सिर्फ दीपक भाई ऐसा नहीं कि वीडियो में बोलने के लिए आप शॉप पे विजिट कर लो। सो जो आपकी वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा एक महीने के अंदर ये सभी प्राइसेस वैलिड है, ठीक है। तो आप आ सकते हो, कॉल में बात कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। बात करो दीपक भाई डिलीवरी की, तो अभी तो फिलहाल COD ऑप्शंस नहीं है हमारे यहाँ पर। पहले आपको सम ऑफ द अमाउंट जो भी आपको ग्राफिक कार्ड आपको लेना है उसका 2 से 3 हजार आपको पहले एडवांस पे करना है, जब आपको कुरियर की रिसीप्ट भेजेंगे तब आपको बाकी का पेमेंट करना है। ओके, और बात करें यहाँ पे हर्ष भाई फाइनेंस वगैरह की, तो EMI वगैरह अवेलेबल है? EMI आप शॉप पे आ रहे हो, आप अगर मुंबई में लोकेट करते हो तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस के EMI ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ मुंबई है, मतलब आप महाराष्ट्र के बाहर के हो, तो उसमें हमारी अभी फिलहाल EMI ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, वो क्रेडिट कार्ड से आपका, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, बाकी डेबिट कार्ड या बजाज फाइनेंस से नहीं हो पाएगा। ओके, तो EMI भी अवेलेबल है एंड आपका ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो अभी नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड के बारे में बात, नेक्स्ट जो अपने आने वाला है RTX 4080, वो आपको आएगा 1,17,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। फिर आ जाएगा अपना RTX 4090 24GB का ग्राफिक कार्ड आता है, वो आपको आ जाएगा MSI Ventus में 2,17,000 ऑल इंक्लूसिव GST, 2,17,000, 2,17,000। उसका मार्केट वैल्यू अगर आप एस्टीमेट निकालोगे तो 2,30,000 के नीचे आपको मिलने नहीं वाला है वो ग्राफिक कार्ड, लेकिन मेरे पास अच्छे ऑफर में आया हुआ है वो ग्राफिक कार्ड, आपको मैं दे दूंगा 2,17,000 ऑल इंक्लूसिव GST। ओके, और बात करेंगे यहां पे 4080 सुपर की, 4080 सुपर दीपक भाई बहुत ही एग्रेसिव प्राइस चल रहा है उसका। अगर आप 4080 का ऑप्शन देख रहे हो लेने का, तो मेरे हिसाब से तो आप 4080 सुपर ही लेना, क्योंकि आपको 4080 मिल रहा है 1,17,000 और वो का वो अगर 4080 सुपर लोगे तो 4080 सुपर आपको मिल जाएगा सिर्फ 1,05,000 ऑल इंक्लूसिव GST। ओके, तो ये हो गए हमारे सभी एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। तो बात करें यहां पे AMD ग्राफिक कार्ड के बारे में, AMD ग्राफिक कार्ड में दीपक भाई जो एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है उसकी मैं आपको प्राइस दे देता हूं। जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड है उसकी मैं प्राइस इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि
AMD के ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं 500 हजार 500 हजार, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो जो भी आपका रेडियो का ग्राफिक कार्ड चाहिए। अभी फिलहाल मैं अगर बात करूं एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड से, तो आपको एंट्री लेवल में मिल जाएगा RX 560 ASUS ROG की तरफ से आने वाला, वो आपको मिल जाएगा 7000 ऑल इंक्लूसिव जीएसटी। फिर आएगा ASRock चैलेंजर की तरफ से RX 570 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, उसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो आ जाएगा 9000। फिर आएगा RX 580 अगर वो भी 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, अगर उसकी प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको आ जाएगा 9500। फिर आ जाएगा RX 6600 उसकी अगर मैं वो भी 8GB GDDR6 एडिशन का ग्राफिक कार्ड आएगा, उसमें ASUS Dual भी मिल जाएगा, ASRock कंपनी भी मिल जाएगी, अगर उसके प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको आ जाएगा 17800। काफी तगड़ी प्राइसिंग है, एनवीडिया ले लो या AMD, मतलब प्राइसिंग एकदम मस्त मिलने वाली आपको। तो ये जितने प्राइसिंग है मतलब इंडिविजुअल कार्ड की है, तो अगर कोई पीसी बिल्ड कराता है उसके साथ में। ये अभी फिलहाल तो खाली ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस है, अगर आप पूरा डेस्कटॉप बिल्ड करा रहे हो तो आपको और अच्छा प्राइस हम इसमें करा देंगे। ओके, तो जो भी वीडियो देख के आएगा उसको फ्री गिफ्ट मिलेगा कुछ पक्का पक्का। दीपक भाई का चैनल अगर जो भी सब्सक्राइब करके आएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आएगा उसके लिए तो फ्री गिफ्ट आपको भी बताया और सब्सक्राइबर्स को भी बताया क्या क्या देते हैं। हेडफोन आ जाएगा, गेमिंग कीबोर्ड माउस आ जाएगा, अच्छा माउस पैड आ जाएगा और एक अच्छा एयरबड्स दे दूंगा आपको। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। वीडियो में हमने सभी ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग के बारे में बात की। अगर आपका कोई स्पेसिफिक मॉडल है विद ब्रांड है तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, उसकी भी बेस्ट प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। और एनवीडिया के अंदर जो एकदम एंट्री लेवल सीरीज है GT 730 और ये सब वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको 2800 से 3000 के रेंज में मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 3000 के रेंज में आपको 734GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगती है सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। जो भी स्टोर का एड्रेस है नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लो।